नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में बैक टेस्ट ट्रेडर में। आज हम टेक्निकल एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट बाय जॉन जे मर्फी, जिसमें चैप्टर 7 को कवर करेंगे, जिसमें हम आज जानेंगे वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट के बारे में, जो फ्यूचर और ऑप्शन मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। यदि आप फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो आप जानते होंगे कि ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम का कितना बड़ा रोल होता है। वॉल्यूम तो सभी मार्केट में काम आता है, चाहे कैश मार्केट हो गया, चाहे कम्योडिटी मार्केट हो गया, चाहे किसी भी हो, ये वॉल्यूम रोल अदा करता है कि कौन से स्ट्राइक प्राइस पे या फिर कौन से पर्टिकुलर प्राइस पे कितना वॉल्यूम आ रहा है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे प्राइस, वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस तरह के वीडियो और पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।
बायर्स बढ़ रहा है, यानी कि बायर्स आ रहे हैं लेकिन ओवर इंटरेस्ट घट रहा है। मतलब यहाँ पर जो सेलर ने जो है ना अपना पोजीशन कराया था, वो अपना शॉर्ट कवरिंग निकाल रहे हैं, शॉर्ट कवर कर रहे हैं, जो अपना ये शॉर्ट पोजीशन बनाए थे और ये शॉर्ट कवर कर रहे हैं, तो ये जो है ना प्राइस जो है ना ये कहीं नहीं जाएगा, ये जो है ना ये फिर बियर मार्केट को डिसाइड करेगा। तीसरा पॉइंट जो लेखक यहाँ पर बता रहे हैं वो है कि, तीसरा पॉइंट देखते हैं, तीसरा पॉइंट में ये है कि यदि प्राइस डाउन ट्रेंड में है और ओपन इंटरेस्ट, प्राइस इन अ डाउन ट्रेंड, प्राइस नीचे है और ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, तो इसमें होगा क्या कि ये जो नए हैं ना शॉर्ट सेलिंग होगा, विच प्राइस इन अ डाउन ट्रेंड, प्राइस डाउन ट्रेंड में भी है और ओपन इंटरेस्ट जो है ना बढ़ता जा रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि शॉर्ट सेलिंग हो रहा है। देखिए एक नए सेलर आ रहे हैं और उस रिफ्लेक्शन कर रहे हैं, यानी कि जो नया पैसा है ना, जो पैसा लगा था उस पैसे को वो निकाल रहे हैं। इसको समझते हैं, नीचे देखते हैं, नीचे समझते हैं चार्ट के माध्यम से। चार्ट के माध्यम से ये है, देखिए प्राइस घट रहा है और ओपन इंटरेस्ट दबा के बढ़ रहा है, तो इसका मतलब हो रहा है इसमें शॉर्ट सेलिंग हो रहा है और जो पैसा है ना वो फ्रेश, जो बड़ा पैसा है ना वो निकलना शुरू कर रहा है, और प्राइस जब भी इधर जाएगा फिर एक बार फिर सेलिंग आएगा। तो यही है कहाँ पर शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, कहाँ पर लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, इसके माध्यम से ये पता चलता है। लास्ट पॉइंट इसमें देखते हैं, लास्ट पॉइंट ये है कि टोटल ओपन इंटरेस्ट एंड डिक्लाइन अलॉन्ग विद द डिक्लाइन प्राइस, प्राइस डिक्लाइन इन द बींग कॉज बाई, मतलब कि ओपन इंटरेस्ट भी गिर रहा है और प्राइस भी गिर रहा है, तो मार्केट में कहीं ज़्यादा मूवमेंट नहीं होगा। तो शॉर्ट टर्म में ये बताते हैं कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये जो हमने जाना यही है, राइजिंग मार्केट में ओपन इंटरेस्ट बढ़ेगा तो बुलिश मार्केट होगा, डिक्लाइन डाउन ट्रेंड मार्केट में ओपन इंटरेस्ट घटेगा तो ये बेरिश मार्केट होगा। तो ये चार कंडीशन यहाँ पर हमने जाना। आगे देखते हैं, आगे ये लेखक क्या बताते हैं, आगे ये कुछ नहीं बताते, जिसमें ये कुछ समरी देते हैं जो अभी हमने उसके बारे में पढ़ा कि वॉल्यूम कैसे रोल अदा करता है, ओपन इंटरेस्ट जो है ना फ्यूचर मार्केट में कैसे काम करता है, टोटल ओपन इंटरेस्ट क्या होता है इसमें हमने जाना, ऑन बैलेंस वॉल्यूम के बारे में जाना। आगे इसमें और देखते हैं, ये बताएंगे थोड़ा पुट कॉल रेशियो के बारे में, इसमें थोड़ा कमर्शियल बताते हैं कि नेट बायर्स नेट ट्रेडर्स कहाँ पर अपना पोजीशन बनाते हैं। ओपन इंटरेस्ट के बारे में हमने जाना कि एक बायर और सेलर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, और जितना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होगा तो उस लॉट साइज का मल्टीप्लाई होगा, जिसे ओपन इंटरेस्ट बोला जाता है। उस स्ट्राइक प्राइस में कितना बायर और सेलर जो है ना एक्टिव हो रहे हैं, जिसे आप ऑप्शन चेन के माध्यम से देख सकते हैं। तो यहाँ पर लेखक बताना चाहते हैं कि वॉल्यूम जो होता है, प्राइस वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट, ये तभी अच्छा काम करेंगे, ये आप अगर यदि पुट और कॉल भी, पुट कॉल रेशियो तभी अच्छा काम करेगा। प्राइस सेक्शन ये कहाँ पर काम करेगा? ये अच्छा काम करेगा प्राइस सेक्शन सपोर्ट रेजिस्टेंस पे, ये अच्छा वर्क करेगा, लेखक यहाँ पर बता रहे हैं। देखिए यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, आप चाहें तो ये इसे आप पढ़ सकते हैं, जब भी ये चाहे बुल मार्केट हो चाहे बियर मार्केट हो, ये प्राइस सेक्शन के साथ मैचिंग होगा ओपन इंटरेस्ट, और तो ये अच्छा वर्क करेगा, लेखक यहाँ पर इसी बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस चैप्टर में बस यही तक है, पुट कॉल रेशियो ओपन इंटरेस्ट वॉल्यूम के बारे में बताया जो हमने जाना, कैसे यहाँ पर चार कंडीशन है उसके बारे में जाना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आने वाले वीडियो में हम मूविंग एवरेज के बारे में जानेंगे। मिलते हैं स्टूडियो में, जय हिंद।